आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की सड़कों पर उतरकर मास्क बांटे और दुकानों के बाहर स्पेशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गोले बनाए। शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले आज कर्फ्यू वाली माता मंदिर चौक के सामने सायरन बजाकर 2 मिनट का मौन किया। खुद मास्क पहनने के साथ साथ लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने और जागरूक करने का संकल्प लिया। इसी दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तेजी से बढ़ते कोरोना के प्रति जागरूक रहें, वायरस तो रहेगा लेकिन हम उससे संक्रमित नहीं हो, इसका ख्याल रखना होगा। मास्क को मजाक ना समझें, मास्क से 90% कोरोना से बचाव हो सकता है। जो मास्क नहीं पहन रहा है वो समाज के लिए खतरा है। टीकाकरण का काम जारी है, 1 दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। जो बिना मास्क रहेगा उसे मुख्यमंत्री नहीं आप भी टोकेंगे और कहेंगे मास्क लगाओ। मध्य प्रदेश में 4000 लोगों की जान गई है लॉकडाउन लगाने से, गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। मैं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता हूं, इसलिए हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। मेरे मास्क मेरे स्लोगन के साथ में सर उतरे हैं। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, मेरी होली मेरा घर भी आपने निर्देश दिया है। मेरा मेरी होली मेरे घर मेरा घर, इसलिए कि भीड़ से बचना होगा। आज आप खुद से बनाना होगा कोरोना से बचने के लिए, इसलिए कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरी ड्यूटी है, लेकिन अकेला मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। मैं सबसे अपील करता हूँ सब साथ में। सर कुछ खास निर्देश दिए जा सकते हैं क्या लॉकडाउन को लेकर? नहीं, अभी तो हम अवेयरनेस पैदा करके, जन जागरण पैदा करके ही कोरोना से निपटेंगे। कैमरामैन सैयद इरफान के साथ दुर्गेश गुप्ता, सराज एक्सप्रेस भोपाल।